आपका दीपक बहुत ज्यादा जल रहा है आजकल। क्या बात होगी भाभी जी, इनके दिए को कंट्रोल में लाओ जरा। मैंने मटन बनाया हुआ है, मटन करी बनाई हुई है, मैंने चिकन भी बनाया हुआ है। और दीवाना तो आप बना ही लेती हैं। मैं बड़ा शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। गुड इवनिंग एंड वेलकम टू द कपिल शर्मा शो। ये जो बाबा शांतिवन सोसाइटी में आए हैं, इनके बारे में मैं ज्यादा क्या बोलूं, क्योंकि मैं खुद नया नया ज्वाइन किया ना। एक बार हाथ उठा के जोरदार तालियों के साथ बाबा के नाम की जयकार करेंगे। बाबा जस्ट किडिंग महाराज की, बाबा जस्ट किडिंग महाराज की। मैं पहचान में तो नहीं आ रहा मैं कप्पू। अच्छा लगाया, काम आ गया। मैं पहचान में तो नहीं आ रहा। पहले पहचान बना तो ले अपनी। मैं पहचान में तो नहीं आ रहा। इसके घर में 6 लोग हैं, उसमें से भी 4 पहचानते हैं, 2 बच्चे अभी भी कंफ्यूज हैं। अपनी माँ को कहते हैं, मम्मी ये कौन आदमी जो इतने सालों से हमारा डैडी बन के रह रहा है। फिर साहब हमने नया धंधा शुरू किया है, पैसे लेके लोगों का समाधान करेंगे। समाधान हो ना हो, हमारे पैसों का समाधान हो जाएगा। क्या बात है जी। हाँ, बाबा ने बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान किया है। बहुत ज्यादा। परसों एक कुत्ते को खुजली हो रही थी, उसका पंजा पहुंच नहीं पा रहा था। तो फिर बाबा? फिर क्या, बाबा ने खुद खुजाया उसको। कुत्ते को बड़ा मजा आया, कहता वंस मोर। मैं कहा हट कुत्ते के बच्चे। बाबा लेकिन नाउ वी आर बिकम फ्रेंड्स। तो आपको पैसे मिले उससे? नहीं नहीं, मेरे कभी कभी खुजली होती है तो कुत्ता खुजा देता है। गिव एंड टेक। एक बार जोरदार तालियां बाबा के लिए। अब शांति वन सोसाइटी में जो भी कोई प्रॉब्लम होगी बाबा उसका हल करेंगे। करेंगे, बिल्कुल करेंगे। अगर सोसाइटी वालों ने पहचान लिया तो बहुत मार पड़ेगी। 3 दिन बाद हम भी बदला ले लेंगे। लेकिन 3 दिन बाद क्यों बाबा? 2 दिन तक बेहोश रहेंगे, बहुत मोटे मोटे लोग रहते हैं इधर। तूने वो कहा नहीं सुनी? कौन सी? नो गेन विदाउट पेन। नहीं सुनी। तूने वो कहावत सुनी है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है? नहीं सुनी। तूने ये तो सुना होगा कि अपने देश में 13% लोग मूर्ख हैं। वो तो मैंने सुनी है। सुनी है ना? और उन 13% में से 12% तू ही है, उल्लू के पट्टे। देख समस्या किसी की बड़ी हो तो 5100 रुपया, छोटी हो तो 2100 रुपया, उससे छोटी हो तो 1100, कम नहीं लेना। और अगर उससे भी छोटी हुई तो? मना कर देना, फोड़े फंसियों का बाल तोड़ का इलाज नहीं करना। और बाबा अगर किसी के पास 1100 रुपए ना हुए तो? कुछ भी ले लेना, आटा दाल चावल रात के बचे हुए पराठे, कुछ भी ले लेना। अब ये दिन नहीं आए मेरे कि मैं जाके आटा दाल चावल मांग के खाऊंगा। अच्छा, तो तू पहले सऊदी से ड्राई फ्रूट मंगा के खाता था। मेरी भी कुछ सेल्फ रिस्पेक्ट है, मैं ये छोटे मोटे काम नहीं करने वाला बस। ऐसे बोलता रहता, फिर कहता छोटे छोटे काम नहीं कर रहे। परसों अपनी काम वाली को कहता तू मेरे घर में काम करने आती है, मुझे भी अपने घर में काम दे। ये तू कॉर्पोरेट डील करके आया था उसके साथ। कप्पू घर की बातें नहीं करनी यहाँ पे, शादी की बात बता दो तेरी। अपनी शादी में कटोरियां चुराई इसने। इसके घर में खाना खाओ कटोरी के नीचे लिखा शर्मा टेंट हाउस पुराना बस अड्डा जलंधर कैंट। बदतमीज आदमी। आटा दाल चावल जो मिले ले लेना बस। कौन है तुम लोग? मैं अब्बास, ये मस्तान। अब्बास मस्तान ब्लैक कपड़े में? देखिए ब्लैक मनी बंद हुई है, ब्लैक कपड़े बंद नहीं हुए हैं। ये हैं बाबा जस्ट किडिंग, मैं उनका चेला जस्ट जोकिंग। तुम तो बात करते जा रही हो, लेकिन ये बाबा क्यों नहीं बोल रहे कुछ? बाबा ग्लैमर ताड़ रहे हैं। बाबा को थोड़ा थोड़ा इंजॉय होएगा, फिर बाबा बोलेंगे। इधर आओ बालक, इधर आओ, हमारे हाथ के नीचे स्टैंड बनो। इधर इधर। क्या समस्या है तुम्हारी? लॉटरी? आपको कैसे पता है कि मेरा नाम लॉटरी है?
हमें तो ये भी पता है कि 2 सेकंड बाद तुम मुझे हग करोगी टिल माय लास्ट ब्रेथ। नो 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 नो, मैं ये कभी नहीं करूंगी। हैं? पहली बार बाबा की भविष्यवाणी गलत हुई है। आओ तुम्हारी समस्या का समाधान करते हैं। आओ बैठो, कम सिट, शो मी योर हैंड। वाह क्या बात है। ये किस क्यों किया तुमने? ये बाबा की पेमेंट है, इसके बाद तुम्हें कैश देने की जरूरत नहीं है। पेमेंट के लिए आपने मुझे रखा हुआ, ये पेमेंट आपने ले ली। 50 रुपए के गुल्लक में 2000 का नोट कोई नहीं डालता, चुप रहे। बताओ क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? हमारा हिंदी बहुत खराबी है। वो तो हमने आते हुए देख लिया था, तुम चल के भी इंग्लिश में आ रही थी। तुम चिंता क्यों करती हो? तुम्हें क्या लगता है तुम्हें हिंदी की वजह से रखा है? बिल्कुल नहीं, रिकमेंडेशन। उस हिसाब से कोई और प्रॉब्लम हो तो बताओ। ये मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, हमको हिंदी सीखना होगी। मैं सिखाता हूँ हिंदी आपको। बोलो। तेरा कैमरा हमारा ब्लॉक नहीं करना, इधर खड़े रह के बोल। बताओ। मैं सिखाता हूँ, बोलो। अ तो अंबाला। तेरी अपनी हिंदी पंजाबी में निकल रही है, अ तो अंबाला। खड़े इधर, मैं सिखाता हूँ। बोलो। ए से छोटा अमरूद। ए से अमरूद बोलिए। छोटा अमरूद क्यों? छोटे अमरूद ना 1 किलो में ज्यादा आ जाते हैं, समझा करो। मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे कुछ और यू नो लाइक शॉर्टकट चाहिए जिसमें मैं हिंदी सीख सकती हूँ। कितनी देर में सीखना चाहती हो? 2 घंटे में। ये जो तुमने लाइन बोली 2.25 घंटे में, उस हिसाब से तो मुझे लगता है 3-4 जन्म तक नहीं सीख पाओगी। तुम ये सब छोड़ो, तुम हाथ दिखाओ अपना, मैं भविष्य बताता हूँ। हाथ तुम्हारा इतना खूबसूरत है, दिल करता है मर जाऊं मैं। तुम्हारा हाथ देख के ऐसा लग रहा है तुम्हें कोई ना कोई लड़का जरूर बहाने से फ्लर्ट कर जाता है। सही पहचाने, मैं परेशान हो गई हूँ। परेशान नहीं, तुम बहुत खूबसूरत और जवान हो गई हूँ। तुम बाबा एक काम करो ना, कोई तरीका दे दो जिसमें ये लड़के लोग मेरे साथ फ्लर्ट ना करे। मेरा अपना निकल रहा है फ्लर्ट में, क्या बताऊं तुमको। मतलब ऐसे 5-7 मिनट बैठी रहोगी, मारी मैक्सी आ जाती है पैर के नीचे। हमारा अपना फ्लर्ट निकल रहा है बालिके, तुम्हें देखकर। परेशान नहीं होना क्या? बाबा थोड़ा कंट्रोल करो, वरना इस धंधे में जितने पैसे कमाने हैं मुझे आपकी जमानत में लग जाएंगे। बालिके 5100 रुपया दीजिए, बाबा आपको समाधान देंगे। 51 कितना होते हैं? 11,000। 11,000? जिसको हिंदी नहीं आती इसको मैथ कहाँ पता चलेगा। आने दो। 11,000। ये लो। चलो फटाफट अपने घर जाओ। सॉल्यूशन नहीं दिया? सॉल्यूशन देखो, थोड़े दिन अपने घर रहो, फ्लर्ट वाले ग्रह ठंडे हो जाएंगे, फिर बाहर आना। हाँ। तो कब बाहर आना है? जब तुम्हारी सोसाइटी में रहने वाला कोई कप्पू नाम का लड़का आएगा तब बाहर आना। कप्पू कब आएगा? 5100 दे के बाबा के साथ पूरा KBC खेलोगी अभी? तुम सारे सवाल पूछी जा रही हो, जाओ अपने घर। अभी जाइए वरना बाबा को गुस्सा आ गया, बाबा श्राप दे देंगे अपने पास रहने का। जाओ पैसे दे। बाबा देखो चिट्ठियां आई हैं ट्विटर से। अच्छा, ट्विटर में लोगों ने अपनी समस्याएं बताई हैं। बाबा खुद ट्विटर की वजह से बड़ी समस्या में है, हम क्या बताएं। ओहो फिर भी बताओ क्या समस्या है। ज्योति बाला लिखती हैं। ज्योति बाला को लिखना आ गया? उसका तो पढ़ाई लिखाई में ध्यान ही नहीं था, वो तो हमेशा खट्टे आम पापड़ खाती रहती थी। बाबा ज्योति बाला शहर में एक ही नहीं है। अच्छा? ये दूसरी वाली ज्योति बाला है। क्या लिखती है ये? वो लिखती है कि मैं जिस लड़के से प्यार करती हूँ वो लड़का मुझसे प्यार नहीं करता। तो जो करता है उससे कर ले, इस बात पे हमें समस्या भेजने का क्या मतलब हुआ। तो ठीक है, हम आपकी टांगे दबाते हैं और आपकी पूजा करते हैं। बाबा हमने कुछ नहीं किया। अभी नीचे आके मर जाते हम। ऐसे कोई भाग के आता है कोई? मैं नहीं, मैंने आपको बिल्कुल नहीं पहचाना। नहीं नहीं, कौन है आप? के बाबा एक औरत की मदद करिए बाबा। बिल्कुल करेंगे, बुलाओ औरत को। ए मैं ही औरत हूँ। चले
हम दो दिन हिमालय क्या चले गए, औरतें हिमालय बनने लगी क्या है? देखो कितनी सारी औरतें हमने एक साथ नहीं देखी, तुम एक एक करके आओ। एक औरत से इस तरह बात करते हुए आपको शर्म नहीं आई? एक औरत? तुम अलग अलग पैदा होती, तुम्हारे 8-10 भाई बहन होते। क्या बात कर रही हो तुम? आपको पता है मेरी फैमिली भी सेम बात कहती है। अच्छा? जैसे नॉर्मली सबकी बर्थडे होती है ना, क्या मेरी बर्थडेज होती है 24, 25, 26, 3 दिन लगातार पैदा होती रही थी मैं। बड़ी जल्दी हो गई वैसे। अब बताओ क्या समस्या है तुम्हारी बम्पर? आपको किसे पता चला मेरा नाम बम्पर है? तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे जैसी औरत का नाम क्या होना चाहिए? कैटरीना? मेरी जैसी औरत से आपका क्या मतलब है? मेरी जैसी औरत आप ऐसे चिराग लेके भी घूमेंगे ना तो भी नहीं मिलेगी। कैसे मिलेगी? जब चिराग घिसेंगे उसके अंदर से निकलेगी। इनके साइज की औरत? बाबा एक बात बताइए, अगर मैं अपने इस एक ही पंजे से आप दोनों की नाइटी फाड़ दूं तो कैसा लगेगा आपको? ऐसा ना करना। और देखिए आप टेंशन मत लीजिए, बाबा बहुत ज्ञानी हैं, ये चेहरा देखकर भविष्य बता देते हैं। बाबा बताइए। जी जी, लेकिन इनका हाथ देख के बताऊंगा। क्यों? चेहरा मुझे क्या होता है पता है? लड़कियां मेरा जैसा चेहरा पाने के लिए क्या क्या नहीं करती। आप मेरी आंखें देखिए, आपको पता है मेरी आंखें किससे मिलती हैं? ये तो दोनों आपस में नहीं मिल रही हैं। शुक्र करो भगवान का बीच में नाक है, नहीं तो टकरा जाती है, ऐसे लंबी आंख होती तुम्हारी। आप बहुत बदतमीज आदमी है, मुझे अपना हाथ आपको नहीं दिखाना है, बाय। देखिए ये बाबा जो है ना बहुत मजाकिया है, मजाक कर रहे हैं। मजाक? हाँ। मजाक नॉर्मली वो नहीं होता जिसमें हंसी आती है? हाँ। तो ये कौन सा वाला मजाक है जिसमें मुझे आपको मारने का मन कर रहा है? ये मेरे मनहूस शागिर्द की वजह से हो रहा है, वैसे होता है। नहीं नहीं बाबा दिल के बहुत अच्छे हैं, आप अपनी समस्या बताइए, बाबा समाधान देंगे। मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ। ये तो लड़के की समस्या हुई ना, तुम्हारी क्या है? यही समस्या है, मैं लड़के से प्यार करती हूँ, वो मुझसे प्यार नहीं करता है। कहीं तुम सोसाइटी में रहने वाले लड़के कप्पू से प्यार तो नहीं करती? कप्पू? वो एक नंबर का फ्रॉड है वो तो। क्या? के नाम के लड़के कभी फ्रॉड नहीं होते, कभी तुमने सुना है? कुलभूषण खेर बंदा, कैलाश खेर, इन लोगों ने कभी फ्रॉड किया हो? उल्टा कैलाश खेर के साथ फ्रॉड हो जाता है बेचारे के साथ, बच्चा समझ के लोग लॉलीपॉप दे के शो करवा लेते हैं। के नाम वाले बंदे कभी होते ही नहीं है। कोई और समस्या हो तो बताओ। और क्या, यही मेन समस्या है। आप ही सोचिए ना, मेरी जैसी खूबसूरत, हॉट, प्यारी, अच्छी नेचर वाली लड़की को लड़का ही नहीं मिल रहा है। ये लो गोली। गोली? इससे क्या होगा, लड़का मिल जाएगा? नहीं, ये जो तुम्हारे मन में बुरे बुरे ख्याल आते हैं ना कि तुम खूबसूरत हो, हॉट हो, ये सारे ख्याल निकल जाएंगे। ये अकल की गोली है, अकल की गोली, इसको खा के एक घंटा बाद उसके बाद सारा फ्लश आउट कर देना। बाबा देखिए, वैसे तो मैं किसी पे हाथ उठाती नहीं हूँ, लेकिन एक बार और अगर आपने मेरी खूबसूरती का मजाक उड़ाया ना तो मैं इसे पीट दूंगी। अब मुझे क्यों? क्योंकि आपकी बातों से ज्यादा मुझे इसके एक्सप्रेशन इरिटेट कर रहे हैं। भाई तुम दो पैसा खर्चा करके कुछ नए एक्सप्रेशन खरीद क्यों नहीं लेते हो? देखो मोटी कन्या, चेहरा आपका ठीक नहीं है, एक्सप्रेशन मेरे में कसूर निकाल रही है। आप इनका हाथ देखिए, समाधान इनसे लीजिए। हाथ दिखाइए। हाथ बंद क्यों है? वो इन्हें पीटने के लिए मैंने मुक्का बना लिया था ना, तो अच्छा अभी तो खोल लो, अभी तो नहीं है ना मन। वाह! ऐसे रुको, अभी देखना इधर लड्डू बनेगा। देखो तुम्हारे हाथ में हग, किस, हनीमून की सारी रेखाएं हैं, शादी की कोई रेखा नहीं है। ये कैसे हो सकता है, हनीमून की रेखा और शादी की रेखा नहीं है? मुझे क्या पता, मैंने थोड़ी ना प्रिंट करवाया इधर। जो है मैं बता रहा हूँ। बाबा आप कोई उपाय बताइए, मुझे लड़का चाहिए मेरी लाइफ में, बाबा प्लीज आप प्लीज कुछ कीजिए, मुझे बस एक लड़का चाहिए। देखो मुझे लड़का चाहिए। ये क्या कर रही हो, ये शादी के कार्ड छाप रही हो कैसे? अभी मेरा घुटना तोड़ देती, मेरी अपनी शादी रुक जाती, तुम कमाल कर रही हो। नहीं मुझे कुछ नहीं पता, मैं आपको आपको नहीं जोड़ूंगा, आप मुझे प्लीज लड़का लड़का चाहिए। एक मिनट। ए, मैं बाबा बन के आऊं, तूने मुझे चुड़ैल बना देना ऐसे ऐसे। देखिए ऐसे मत कीजिए, आप 51,000 दीजिए, बाबा आपको समाधान देंगे। हाँ हाँ सर। हाँ 51,100, 510,
पूछ तो दो। 5 रुपए ही मांग ले तू, तेरे तो 5100 हमारा रेट है। दे दूंगी तो क्या होगा? ये पहले थोड़ा भिखारी भी था तो इसलिए उसका कभी कभी वो आ जाता है। अगर मैं आपको पैसे दे दिए क्या होगा हमारा फायदा? देखो, आपने अगर पैसे दे दिए बाबा समाधान देंगे, आपके लिए लड़कों की लाइन लग जाएगी। मैं क्या सुलभ शौचालय हूँ जो लड़कों की लाइन लगानी है मुझे? आप मुझे बस एक लड़का दिलवा दीजिए, एक अच्छा वाला, मतलब सिद्धू जी टाइप का। क्या मैरिड मिनिस्टर चाहिए, पागल है तुम? अरे दीदी मैरिड नहीं, मतलब टैलेंटेड। देखिए ना कैसे, ये क्रिकेटर भी है, कमेंटेटर भी है, पॉलिटिशियन भी है, स्पीकर भी है, वूफर भी है, साथ में लॉफर भी है। मुझे ट्रक के नीचे नहीं आना। देखिए इतने बिजी हैं तुम्हें टाइम नहीं दे पाएंगे वो। हाँ एक्चुअली ये तो मैंने सोचा ही नहीं, बिजी कितने रहते हैं। ठीक है कोई ऐसा लड़का दिलवाइए जो बहुत ज्यादा बिजी ना हो, थोड़ा थोड़ा फ्री हो। तो ऐसे लड़के के लिए तुम्हें 16 सोमवार के व्रत रखने पड़ेंगे एक ही हफ्ते में। एक हफ्ते में 16 सोमवार के व्रत कैसे हो सकते हैं? एक हफ्ते में 16 सोमवार का खा सकती हो तो एक हफ्ते में 16 सोमवार के व्रत नहीं रख सकती तुम। बाबा की बात मान भी नहीं रही हो, पूछी भी जा रही हो। ठीक है बाबा, देखिए थोड़ा ऐसा वैसा टाइप का भी लड़का चलेगा, लेकिन इतना मैं व्रत रखूंगी तो मैं ही गुजर जाऊंगी, और अगर मैं मर गई तो फिर अच्छे खूबसूरत लड़के का करूंगी क्या? तो कोई भी चलेगा, कोई दूसरा उपाय बताइए ना, इजी वाला दूसरा उपाय। मोहल्ले के सबसे हैंडसम लड़के को 3 टाइम खाना खिलाना है 3500 सोमवार। ये वाला मैं कर सकती थी, लेकिन हमारे पूरे मोहल्ले में कोई हैंडसम लड़का है ही नहीं। मैंने सुना एक हैंडसम लड़का है इधर, ऐसे उसके नाम के लास्ट में यू आता है, सिद्धू। नहीं नहीं, उसके नाम का पहला अक्षर जो है वो के है। नहीं नहीं, किद्दू नाम का तो कोई नहीं है हमारे सोसाइटी में। उसके बीच में ए पी पी भी आता है, कप्पू। हाँ ऐसा कुछ। उसको खाना खिलाओ खिलाओ खिलाओ। आपको पता नहीं है वो कप्पू जो लड़का है ना, 3 बार मुझे प्रपोज कर चुका है। अच्छा? हाँ हाँ, मुझे तो इतना प्यार करता है, पीछे पड़ा रहता है मेरे, मेरे नाम का उसने टैटू बनवा लिया है बम्पर। कहाँ पर? हाथ पर। मेरा नाम है ना बम्पर, तो बम्पर का टैटू हाथ पर बनवा लिया। अच्छा अच्छा अच्छा, मुझे लगा नहीं नहीं अभी तो वो टैटू बनता ही नहीं है, ऐसे टैटू तो डाई बनानी पड़ती है करके। ओफो, मेरे प्यार में वो इतना पागल है, 2 बार मेरे हाथ की नसें भी काट चुका है। तुम्हारे हाथ की नसें क्यों काट चुका है भाई? मैं प्यार में पागल है ना, तो अपनी नसें क्यों नहीं काटता? वो इतना भी पागल नहीं है। देखिए आप प्लीज उसको तो छोड़िए, उसे रहने दीजिए, मैं तो उसे घास तक नहीं डालती। डालने मत, तुम्हारे लिए कम पड़ जाएगी। ऐसे घूरा मत करो तुम, मेरे उसे पेल्पिटेशन टाइप होता है। अभी तुम पैसे दो और तुम निकलो फिर। अरे ऐसे कैसे निकल जाऊं, मेरी समस्या का समाधान तो आपको करना ही पड़ेगा। देखिए बाबा, मुझे एक लड़का चाहिए जो मुझसे प्यार करे, फिर मुझसे शादी करे, हनीमून पे ले जाए, बच्चे बच्चे पैदा करे, बस। बच्चों की एडमिशन वगैरह तुम करवा लोगे कि हम करवा के जाएं उनका भी? ये भी करे, वो भी करे, वो भी करे। नहीं, एडमिशन का मैं देख लूंगी, खाली स्कूल आप बता देना, सरकारी रहेगा कि प्राइवेट रहेगा, बस मैं देख लूंगी। अरे बाबा भविष्य बताते हैं, फैमिली प्लानिंग नहीं करते, पैसे दो निकलो। दिखाऊं? क्या दिखाऊं? नहीं है, मैंने देख लिया है, दोनों हाथों में रेखा है ही नहीं, शादी हो ही नहीं सकती। देखो देखो, ये कर, मेरे साथ कुश्ती नहीं करनी? नहीं नहीं बाबा, आपको मुझे लड़का दिलवाना पड़ेगा, कोई एक लड़का प्लीज, मैं इस तरह अकेली नहीं रह सकती। लड़का लड़का बाबा, एक मिनट, मेरी नाइटी झाड़ इसने 150 कार्ड छाप दिए, देख। क्या कर रही हो ये, ऐसे ऐसे करके तुम क्या कर रही हो? मुझे लड़का चाहिए बाबा। मिल्क शेक बना रही है। अभी अभी मुझे उपाय आया तो तूने हिला हिला के वापस चढ़ा दिया वो। देखो एक उपाय आया। हाँ क्या क्या? एक हरा कौआ पकड़ के लाओ। हरा हरा कौआ? हरा तो तोता होता है। यही तो उपाय है, तुमने हरा कौआ पकड़ना है, उसको बताना नहीं है कि तुम हरे कौए हो, वो कौन सा शीशा देखता है, तुम्हें पकड़ के मेरे पास लाना है, फिर मैं जानू। और अच्छा, अगर बाई चांस हरा कौआ नहीं मिला तो काला तोता ले आऊं? बाबा के साथ रिवर्स कॉमेडी।
तो शुरू किसने की? क्या रहने दीजिए, मेरी तरफ से ये रहे 5,100 रुपए। अब मैं जाके हरा कौवा ढूंढती हूँ, मिल गया तो लेके आती हूँ। हाँ, पक्का, 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 लड़का मिलना चाहिए। जल्दी, जल्दी जल्दी मैं भाई आती हूँ। लो भाई, बोलो बाबा की। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलिए बहुत हो गया आपको, चलिए आप। अरे नहीं, आज तो हम तो आपको छोड़ने के लिए, आप चलिए हमारे साथ। काले के जारिया मेरे को छोड़, आप चलिए हमारे साथ, मेरा हाथ छोड़ो। ए काले के जारिया, अरे खबरदार, जो बोतल को हाथ भी लगाया तो। अरे हम परेशान हो गए हैं, रोज रोज दारू पी के आते हैं ये घर पे। अच्छा, जब दूध पी के आते हो तो क्या प्यार से बात करती है? हाथ छोड़ मेरा, काले के जारिया। बाबा क्या हुआ, बिना ठुड्डी वाली औरत बताओ। दारू पी के घर आते हैं। अरे तो किस्मत वाली हो, नहीं तो लोग तो दारू पी के किसी और के घर में घुस जाते हैं। अपने घर में आ रहा है ना। बिल्कुल सही कहा है सर, एक शरीफ आदमी, शरीफ शराबी की इज्जत ही नहीं है कोई। बिल्कुल नहीं, शराब पीते हो आप? खाली पूछ ही रहे हो कि मंगवाओगे भी? मैं मंगवा दूंगा। बाबा नहीं पीते हैं, बिल्कुल नहीं पीते। एक छोटा मेरा बना दो। आपका बना दो, आपका बना। अरे बाबा, ये आपने कैसा चेला रखा है? अरे हम तो अपने पति की शराब छुड़वाने आए हैं। देखो, शराब छुड़वाना हमने बंद कर दिया है। अभी पिछले हफ्ते एक आदमी की 6 पेटी शराब छुड़ाई, एक बोतल नहीं देके गया हमें। अरे वैसे नहीं छुड़वानी है। कैसे? हमारे पति को शराब पीने की लत है। हाँ, और कल तो इन्होंने शराब पी के हमारी बहन तक को छेड़ दिया था। ओ, इस पे तो मेरे को गुस्सा आना चाहिए। जैसे तेरी बहन है ना, आदमी नशे में भी छेड़े तो हिम्मत में छेड़ेगा। अच्छा, कैसी दिखती है? बिल्कुल इस जैसी दिखती है। ओए 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 ओए, इतनी मर्दाना टाइप। देखो भाई साहब, हाजी, एक बार चेक कर लो, ये आपकी बीवी है ना? कहीं साला तो नहीं रह रहा आपके साथ साड़ी पहन के? आजकल बड़े घपले हो रहे हैं। बिल्कुल सही कहा सर। शराब इतनी क्यों पीते हो? क्योंकि सर इसकी वजह से मेरे साथ ना धोखा हुआ है। क्या हुआ? शादी से पहले मेरे को लड़की दिखाई इंग्लिश बोतल, शादी के बाद ये निकला देसी ठर्रा। ये ठर्रा है। भाई साहब, आप बात तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इनकी सेहत देख के लगता है कि सुहागरात में दूध इन्हीं ने पिया होगा। अरे हाँ हाँ, सुहागरात से याद आया, हमारी शादी को 4 साल हो गए, रोज झगड़े झगड़े झगड़े, अब तक एक भी बच्चा नहीं हुआ। ओहो, मतलब इशू है, शिशु कोई नहीं। बाबा बताइए ना कुछ उपाय, आप बताइए ना क्या करें। देखो, शराब तो मैं छुड़वाने की कोशिश कर सकता हूँ, लेकिन ये बेबी वगैरह तो तुमको आपस में ही करना पड़ेगा। अरे बाबा, हमने तो शराब छुड़वाने की तो बात की है। तो पूरी लाइन बोलो ना, मैं तो समझ रहा हूँ। खैर हट। अच्छा एक बात बताओ बालक, आ जाओ इधर बैठो, आ जाओ। हाँ जी, इधर आ जाओ। हाँ जी बाबा जी। मैं आ गया, आ गया, मैं आ गया, आ गया मैं। पहुँच गए आराम से। हाँ जी। एक बार में कितनी शराब पीते हो? जब तक बार खुला रहे। बार मतलब एक टाइम में कितनी पीते हो? हाँ। वो डिपेंड करता है मूड पे और पैसे पे। हाय रे, सारा पैसा शराब पे उड़ा देते हैं, हमरे लिए आज तक कुछ भी नहीं खरीद के दिया। और शुक्ला जी ने अपनी बीवी को कंगन खरीद के दिए, और वो शर्मा जी ने अपनी बीवी को हार खरीद के दिए, और चोपड़ा जी ने अपनी बीवी को जहर दिया था, वो भूल गई, वो ढूंढते रखो अभी। अरे बाबा जी, का बताएं, वादे तो बहुत किए लेकिन एक भी पूरा नहीं किया। अरे बाबा जी, हम आपको का बताएं, हम तो पढ़ाई में इतना ज्यादा अच्छे हैं, इतना ज्यादा अच्छे है, लेकिन इन्होंने हमको 12वीं करने नहीं दिया। 13वीं कर लेती। अरे बाबा, बिना 12वीं किए 13वीं कैसे होगी? अरे हमारे मोहल्ले में एक अंकल रहते थे, 5वीं भी नहीं की थी, कल 13वीं की उन्होंने। कैसे? मर गए ना। भाई साहब, बुरा ना मानिएगा, वैसे आपकी बीवी की एक लाइन कंप्लीट होने से पहले, फुल स्टॉप से पहले ना, ऐसे मर्दों जैसा अंगारा निकलता है, ऐसे करके चेक कर लेना, मैं कह रहा हूँ। मैं बात बताऊँ, इतना बढ़िया जोक मारा, मेरे को नशे में भी हंसी आ रही है। अब आप एक बात बताओ हमको, कि क्या बताएंगे आप, कुछ उपाय बता दो। देखो, तुमने ना अपनी ना ये घर की प्रॉब्लम बता के मुझे टेंशन दे दी है। इतनी टेंशन में मैं सोच नहीं सकता। दिखाओ यार, ये लो। मेरे को ये लो। टेंशन दे दी यार।
नहीं मैं तो चेक कर रहा रखड़ भी है, एक और बना। अरे वाह, आप तो बिल्कुल मेरी टाइप के निकले हैं। तुम भी मुफ्त की नहीं छोड़ते। हेलो। अरे अरे तुम क्या वहाँ देख रहे हो, बाबा को कुछ समझाओ। बाबा मैं कुछ बोलूं? थोड़े चखना बोलना। देखा, मैंने कहा था ना बाबा पीने के बाद किसी के नहीं सुनते। अरे बाबा क्या कर रहे हैं आप, हमारी तो सुनो। और चुप कर बाबा, मेरे को इससे तलाक चाहिए, मैं दूसरी शादी करूंगा। नहीं बाबा, बाबा बाबा, तुम भाग के आती हो ना, आधा किलोमीटर पहले से रुकना शुरू कर दिया करो। तुम्हारा तुम जान ले लोगी किसी दिन ऐसी किसी। मैंने पूरा जंगल छान मारा। अच्छा, हरा कौवा नहीं मिला। हरा नहीं मिला तो नीला ले आती, पीला ले आती, सफेद ले आती, हम रंग कर लेते उसको। तो ऑप्शन पहले पता नहीं चाहिए थे ना हमें, अब घर मेरी शादी कैसे होगी। शराबी मारने लगी थी अभी तो। पूछ रही थी बैठिए। एक मिनट, हम तो उठ भी नहीं पा रहे। एक मिनट बहन, एक बात बताओ, तुम कौन हो? बहन क्या, मैंने तुझे राखी बांधी है क्या बहन? जबरदस्ती। बाबा आप पी रहे हैं यहाँ? और क्या, इतनी रात को बाबा बादाम शेक पियेंगे यहाँ पर? बहन जी इस अंगूर पे बैठ जाओ, इसकी शराब बना दो। मैं तो कहता हूँ इस पे बैठो, गन्ने का रस बनाओ। सही कहा। बाबा ये लड़की बड़ी अच्छी है, कहाँ गई? ये मेरे को इससे शादी करनी है। मैं एक शराबी से शादी नहीं करूंगी। वाह, शराबी भी चाहिए तो दो चाहिए, एक शराबी से शादी नहीं करोगी? मैं किसी से शादी नहीं करूंगी। मेरे 5,100 रुपए निकालिए आप। बाबा निकालिए मेरे 5,100 रुपए निकालिए। हम पहले मिले? हाँ हाँ मिले। मुझे क्यों नहीं याद आ रहा है? बाबा आपने कहा कि घर के अंदर रह जाओ और कोई नहीं फ्लर्ट करेगा, वहाँ भी दो लड़के आए हैं मेरे साथ फ्लर्ट करने के लिए। दे दो वापस मेरा पैसा। किस्मत तुम्हारी किस्मत। बाबा ये कॉल है, इसको कैंसिल करो, मेरे को उससे शादी कर दी। अरे उससे कर दी है। अरे ये एक पत्नी होते हुए आप दूसरी शादी नहीं कर सकते, हम तो बर्बाद हो जाएंगे। इतनी जल्दी तो लोग चैनल नहीं बदलते जितनी जल्दी तू लड़कियां बोल रहे हैं, उसको कैंसिल कर। तू बड़ा सलमान खान है, मैं तेरे पेट में मारूंगा एक किसके। सॉरी यार। पैसे पैसे तो कितने पैसे लिए थे यार इनसे? कितने थे तुम्हारे? ये 5,100। ये लो, ये 50 रुपए है। तो कितने दिए थे? 5,100 रुपए दिए थे मैंने। 5,100? हाँ। तो 50? हाँ। ये ले 100, 51, 100, ठीक है? क्या चल रहा है? 51, 100, पूरे पैसे वापस दीजिए वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगी। मुकाबला नहीं है, मैं तो पागल हो गई है, पुलिस को बुलाएगी तू? शू। और मेरा पैसे किधर है? अरे तुम्हारे तो सारे तुम्हारे ही हैं, इधर दे बे। सारे तुम्हारे ही हैं, ये लो तुम जितने पैसे चाहिए रखो तुम। अरे मेरे सारे पैसे आपने इसको दे दिए? तेरे हिस्से का हुस्न भी तो भगवान ने उसको दिया, तब तो तुमने कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट की है? इसको तो मैं सब कुछ देने को तैयार हूँ। मैं भी। अरे मैं भी। एक मिनट, इतने सालों से हम सोसाइटी में रह रहे हैं, हम कभी डायरेक्ट अप्रोच नहीं की। तू आ गया 25 रुपए का पौवा लेके, अब देखेंगे तू हमारी लॉटरी पे लाइन मरेगा? नहीं मतलब। एक मिनट। इतने सालों से आप सोसाइटी में रह रहे हैं? मैं इसकी बीवी पीटनी है। नहीं, आप इस सोसाइटी में इतने सालों से कैसे रह रहे? आप कहीं कप्पू शर्मा तो नहीं है? कौन कप्पू शर्मा? कौन बे, क्यों बे? ठाकुर? ठाकुर? ये ठाकुर है बाबा। फ्रॉड कप्पू शर्मा निकाली, पैसे कहाँ है? एक मिनट निकाल, रुक इधर आ। रुको, देखो पुराने रिलेशन है वो तो? देखो ठीक है, हमसे गलती हो गई। ये क्या है पंखी? हम आपसे यही कहना चाहते हैं। क्या? अरे बात तो सुन ले। बोल दो। जैसे हमने ऐसे ही नाइटी वगैरह पहनी है, तो इसको ना पहन के भागा नहीं जाता, उठा लेने दे हमें। अरे ये
भाजी आपने आगरे का पेठा सुना होगा? हाँ सुना है। बीकानेर का भुजिया सुना होगा? खाया भी है। खाया होगा, अमीर आदमी है आप, हमें कोई शक नहीं है। आज आपको खिलाएंगे बरेली की बर्फी। ओए। जिसको लेकर आ रहे हैं तीनों के तीनों मेरे फेवरेट। आप सबकी जोरदार तालियों के बीच प्लीज वेलकम आयुष्मान खुराना, राजकुमार राव एंड वेरी ब्यूटीफुल कृति सनन। उनके आते ही दिल के मौसम बदल गए। आयुष्मान और राजकुमार को देख के कुड़ियों के दिल मचल गए। ऐ ये जादू कृति के हुस्न और जमाल का, अरे बिना तेल के दीपक खुद ब खुद जल गए। आपका दीपक बहुत ज्यादा जल रहा है आजकल। क्या बात होगी भाभी जी, इनके दिए को कंट्रोल में लाओ जरा। पाजी इन्होंने फिल्म बनाई एक बरेली की बर्फी। हाँ। तो सबसे पहले तो ये बताओ बर्फी का क्या सीन है, मतलब कौन खा रहा है बर्फी, कितनी मात्रा में है? Is it sugar free? Yeah, it's very healthy. Okay. लेकिन ये मीठी है, ये थोड़ी खट्टी है, ये चटपटी भी है। अच्छा। तो इसमें बहुत सारे फ्लेवर्स है लेकिन बहुत यम्मी है, तो प्लीज जाके देखिए। अरे क्या बात है, बरेली की बर्फी से ज्यादा आपको देखेंगे मोहतरमा, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि भगवान जब बिल्कुल वेला सी कड़कड़ के बनाया उन्हें, कड़कड़ के बनाया। एक्चुअली वे खूबसूरत भगवान ऐसे बनाता है आराम आराम से पूरा दिन लेके खुद। हमारे तो क्या करता है, ये क्या है, ये हार्ड मास पड़े, इकट्ठा करो इनको, इधर एक मुंह रखो, चलो भी नीचे चलो, शाबाश। तो बेसिकली बात ये है कि इस फिल्म में जो दो हीरो हैं और इसी बर्फी के लिए झगड़ा कर रहे हैं। अच्छा देखा मैं फिल्मों के नाम बर्फी के ऊपर अक्सर ही आ जाते, जैसे रणबीर कपूर की बर्फी आई थी, अब ये बरेली की बर्फी, लड्डू बेचारा उसके ऊपर कभी कोई फिल्म नहीं बनी। भाई लुधियाना का लड्डू बन सकता है वैसे। लुधियाना का लड्डू, मैं लड्डू जैसी दिखती नहीं हूं ना, जिस दिन दिखती बर्फी उस दिन बन जाए। बर्फी है तुम तो काजू कतली हो। अच्छा जब ऐसे फिल्म में मल्टीकास्ट होती है ना तो बड़ी कंफ्यूजन भी होती है स्क्रिप्ट पढ़ने से पहले कि हीरोइन जो है उसकी किसके साथ शादी हो रही है। वो जब आपने ये फिल्म साइन की आपको तो बड़ी खुशी हुई होगी ना कि तीनों साथ में हमारे शो में आ जाएंगे। तो मैं तो आजकल फिल्म यही पूछ के पहले साइन करता हूँ, मार्केटिंग का पूछता हूँ कि हम लोग शो में जाएंगे कि नहीं, ये बता दो, क्योंकि मेरे माँ बाप तो वही देखते हैं सर, उन्हीं को वही पसंद आता है। तो फिल्म देखे ना देखे लेकिन ये शो जरूर देखना है। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इस बार थोड़ा जल्दी आ गई हूँ आपके शो में, और आई डोंट नो इफ यू रियलाइज लेकिन मेरी ये चौथी फिल्म है और मैं हर फिल्म के लिए आपके शो में आई हूँ। तो मैं इसको क्या समझूं? मैं तो कहता हूँ आप यहीं रुक जाओ, यहीं से शूटिंग चले जाया करो, वैसे भी आजकल खाली है हमारे घर इधर आसपास। मुझे बड़ी खुशी होती भाई तीनों को देख के, तीनों का कोई फिल्मी बैकग्राउंड नहीं है और तीनों बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। ब्रिलियंट। अभी आयुष्मान बैकस्टेज मुझे कह रहा था यार एक फिल्म अभी ये रिलीज होने वाली है, दूसरी भी तैयार है, बहुत टेंशन हो रही है। मैं कहा लोगों को मेन टेंशन नहीं होती, कुछ मिल जाए, हमारी तो रिलीज हो रही है उसकी भी टेंशन, हमारी जैसे बनी हुई है बस रिलीज होने वाली है। अच्छा हम आपके शो में आते हैं प्रमोट करने, आप कहाँ जाएंगे प्रमोट करने? मैं किसी की फिल्म में घुस जाऊंगा हर का। मैं तो सोचता हूँ कि हम कहाँ करें, तो फिर हम इधर कर देते हैं मौका देख के। आइए यहाँ पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे तीनों ही जो स्टार्स हैं ये बहुत ही पढ़े लिखे हैं, बड़े ही एजुकेटेड हैं। जैसे कृति जो है इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग की है। कृति के बच्चे का सवाल था, जैसे नॉर्मली कभी कभी हमारे बल्ब फ्यूज हो जाते हैं ना घरों में, तो वो तार ऐसे लटकती रहती है, तो आदमी जुगाड़ करके ऐसे सेट करके उसको और धीरे से ऐसे लगा देता है और वो फिर चल पड़ता है। कभी किया आपने ऐसा? नहीं। पैसे वाले लोग ना। हाउ इज राहुल? ओह ही इज फाइन। He said hi to you. Who's Rahul? My Rahul? Dad. Kriti ka papa.
ले लो इनके पापा भी ब्यूटीफुल लड़कियों के राहुल हमारे दीनानाथ करैती लाल पाजी होता है ऐसे देख लो एक्चुअली किसी किसी दोस्त के पापा का नाम राहुल नहीं है हमारे क्लासमेट भी राहुल बड़े कम होते हैं वो जो कोई कोई एकाध हो कोई गाड़ी में आता हो तो उसका राहुल होता है बाकी राम प्रकाश सूर्यमल ये इनका है राहुल की बेटी अच्छा दम लगा के हैशा में आयुष्मान के खूबसूरत अभिनय के लिए बच्चन साहब ने आपको हैंड रिटन लेटर भी भेजा था ना वो दिखा के कहीं आप आपने सरकार से जमीन वगैरह के लिए कुछ ऐसे किया है कि मेरे को बच्चन साहब ने चिट्ठी दी है बाजी उसको बस मैंने फ्रेम करा के उन्हें लिविंग रूम में लगा दिया है पर हाँ मैं चाहता हूँ कहीं पे अगर जमीन वगैरह मिलती हो तो बताओ मुझे भी एक बार बच्चन साहब ने ऐसे हैंड रिटन नोट दिया था एक दिन मेरी भी ऐसी मुलाकात हुई KBC में खेला थोड़ी देर विद्या बालन जी को उन्होंने एक्चुअली लिख के दिया था किसी फिल्म की परफॉर्मेंस देख के हैंड रिटन नोट मैंने कहा सर जब हीरोइन अच्छी परफॉर्मेंस देती है तो उनको हैंड रिटन नोट भेजते हैं हमें कोई टाइप करवा के भेज दो तो उन्होंने भेजा था सो स्वीट ऑफ हिम मतलब मैंने देखा भी है कभी बच्चन साहब के शो में जब ऐसे हीरोइन आती है ना जैसे कृति आ गई तो इनको बड़ा पूछेंगे गुलाब किस रंग का होता है हम गए तो हमें कहते हुमायूं कब आया था मैंने कहा सर हमारे लिए यही क्वेश्चन बचे हुए हैं पर बड़ा अच्छा लगता है ना कि एक हमारे इंडस्ट्री के महानायक हैं वो जब आपके काम की तारीफ करते हैं और आप तीनों ही तारीफ के लायक हैं इस फिल्म में आपके पापा का मिठाइयों का काम है हाँ मिठाई की दुकान है वो और आप इमरती भी बनाती हैं उसमें ना नहीं हाँ मतलब कभी कभी मैं हाथ बटा लेती हूँ ऐसी लड़की ना दही पकौड़ियाँ भी बना देना खाली ज्यादा ना ना ही करे तो पूरा फील आए मालपुए वाला मैं कभी आपने कोई ऐसी डिश सीखी जो आपने सोचा हो कि मैं कभी शादी के बाद कभी शूट से फुर्सत हुआ तो मैं अपने हस्बैंड के लिए बनाऊंगी ऐसी कभी कोई डिश है आपको आती क्या बना लेती वैसे आप कुछ बना लेती वैसे मैं रेसिपी देख के बना लेती हूँ बट मैंने मटन बनाया हुआ है मटन करी बनाई हुई है मैंने चिकन भी बनाया हुआ है और दीवाना तो आप बना ही लेती हैं मैं बड़ा राजकुमार का ना फिल्म में एक डायलॉग है कि शक्ल देख के लड़कियां शादी करती तो हिंदुस्तान के आधे लड़के कवारे रह जाते आपका क्या विचार है शक्ल देख के शक्ल तो खैर चेंज भी हो जाती है वक्त के साथ साथ बिगड़ भी जाती है चेंज कैसे हो तो फिर दोनों की चेंज होगी ना दोनों साथ में बुड्ढे होंगे ना तो शक्ल देख के शादी खूबसूरत शक्ल हाँ मतलब खूबसूरत शक्ल रहती नहीं है पूरी पूरी जिंदगी तो शक्ल देख के तो शादी नहीं कर सकते हो आप तो मतलब फिर हमारा चांस है मैं यहाँ पे हमारे दर्शकों से पूछना चाहता हूँ कि आप में से कितने परसेंट लोगों का ये मानना है कि जो लड़कियां हैं वो शक्ल देख के शादी नहीं करती हैं लड़के भी अपना पक्ष रख सकते हैं जी मैम आपने इतनी सी उंगली खड़ी की मतलब इतनी सी उंगली हाँ वो भी उनको लगा ऐसे दिख जाएगी तो मैं बोल दूंगी कहाँ से आए आप कांदिवली अच्छा करिए आप तो एक्चुअली सूरत में शादी हो गई है मॉम अच्छा, अच्छा। का घर यहाँ पे और सूरत में हस्बैंड लव मैरिज हुई आपकी नहीं नहीं अरेंज अच्छा जी तो क्या करते हैं आपके मियाँ जी मेडिकल स्टूडेंट की इस बात को आप कितना मानती हैं कि लड़कियां सूरत देख के शादी नहीं करती हालांकि आपने तो सूरत देख के की गुजरात में शादी की हाँ वो आपकी तरह ही लगते हैं काफी इनफैक्ट मेरे फ्रेंड्स बहुत चिढ़ाते भी हैं मुझे आपका कुछ भी सीन होता है कुछ भी सो वो मुझे मैसेज मेरा किसके साथ सीन होता है नॉट दैट सीन आप दोनों में एक चीज अनकॉमन है आप हमेशा हंसाते हैं वो हमेशा गुस्से में रहते हैं उनके नाक पे ही गुस्सा रहता है तो इसीलिए कांदिवली आके रुक गई आप नहीं राखी के लिए आई थी लेकिन आपने शक्ल देख के शादी की या नहीं हम दोनों ने तो एक दूसरे को देख के शादी की थी बट हाँ मेरे फैमिली में जो मेरे भैया भाभी हैं वो लोग भी कभी उन्होंने एक दूसरे को नहीं देखा कभी मतलब आज तक नहीं देखा नो शादी के पहले नहीं देखा अरे पाजी मैं बताता हूँ पहले ऐसे बोलते थे कहते कि ना घर की औरतें घूंघट में रहती थी शर्म हया हमारे भारत के संस्कार में रहा है हालांकि मैं नहीं ये मानता हूँ कि घूंघट में रहे लड़की तो ही शर्म होती है पर ऐसे बोलते हैं कि ना जो लेडीज होती थी वो पैर देख के पहचान लेती थी कि ये मेरे ससुर हैं या ये मेरे पति हैं या मेरे जेठ हैं या मेरे देवर हैं तो मैं सोचता था अगर एक दूसरे की चप्पल कोई पहन के निकल जाए तो बाहर से किसी और को प्रणाम कर देगी पता चले कि देवर को पैरी पहना कर दिया और ससुर को बोल दिया ये जी सुनो ना पर बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलके थैंक यू सो मच थैंक यू शुक्रिया
और हमारे कोई दोस्त जी, क्या नाम है आपका? पंकज नाम हुआ जी। पंकज कहाँ से आए पंकज आप? मैं कांदीवली से आया हूँ। उनके साथ ही आ जाते हैं, अलग से किराया लगा के जाते जाते समय उनको ही पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि लेट से शो खत्म होगी तो जाने के लिए कुछ तो सवारी मिला नहीं है, तो उनके साथ ही जाना पड़ेगा। उनके साथ ना जाना, उनके हस्बैंड का मेडिकल स्टोर है, ऐसा इंजेक्शन लगाएंगे ना आपको। आपकी शादी होगी? हाँ मेरी शादी होगी। तो आपका क्या कहना है? हम लोगों ने देख करके, एक दूसरे को देख करके शादी किया था। अच्छा जी, वाइफ आई आपके साथ में? नहीं, वाइफ मायके गई है। यही है जो शक्लें देख के शादी करते हैं। सही बात है कि सीरत देख के ही होना चाहिए। शक्ल आप कोई भी दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत भी कह लो ना, उसका पति भी ना अगर बाजार से निकल रहा है ना, तो दूसरी वाली का टैटू एक बार जरूर देखेगा। ऐसा होता है। सही बोल रहा है। तो आपने मेन बात तो बताई नहीं सच, वो शादी शक्ल देख के की जानी चाहिए कि नहीं? नहीं नहीं, शक्ल देख के की जानी चाहिए। आज का जो समय है उस समय में शक्ल देख के ही की जानी चाहिए, क्योंकि बाद में आप चल करके अपने माता पिता के ऊपर आरोप नहीं डाल सकते हो कि आपने मुझे, जब आप घूंघट उठा रहे हो तो पता चल रहा है कि अरे ये क्या हो रहा है भाई। नहीं, ये बात तो फिर लड़की पे भी लागू होती है ना, लड़की भी कल को घूंघट उठाए, दास दादा क्यों? दास दादा आई लव यू, थैंक यू सो मच ब्रदर, थैंक यू। देखा जो तुम्हें दिल ये बेकरार हो गया, वो जाने जाना हमको तुमसे प्यार हो गया। देखा जो तुम्हें दिल ये बेकरार हो गया, वो जाने जाना हमको तुमसे प्यार हो गया। आज का क्लास इधर ही खत्म होता है, 3 तक सिखा दिया है, नेक्स्ट टाइम आएगा 10 तक सिखाएगा। ऑलराइट, खुश है? और वैसे तो जे आज तो ऐसा लग रहा है जैसे आप फौज में है। मैं मौज में है। और तुम किस चीज का खोज में है? ए ब्रो, ये ए ब्रो, हाउ यू डूइंग? गुड हाय ब्रो, आई डू माय ए या माय कचा यार, आई एम लंदन रिटर्न से आया है। आप लोग को देख के मेरे को बहुत वो हो रहा है, वो जो ऐसा वो अपना यार, वो 20 माले का बिल्डिंग से कूदता है नीचे, गिरता है, क्या होता है यार? एक्साइटमेंट? नहीं नहीं नहीं, एडवेंचर। गिरता है यार 20 माले का, खुशी। हाँ, खुद खुशी, खुद को हटा दो यार, खुशी 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 हो रहा है आप लोग को देख के, बहुत ज्यादा खुशी हो। सिलेंडर ने कोट क्यों पहना हुआ है? ये मेरे पे अच्छा लगेगा, तुम्हारे पे अच्छा नहीं लगेगा। ये अच्छा कैसा लैदर का है, तुम पाने का छींचा लैदर कर देगा। ये आदमी ना कुछ भी खराब कर देता है, मैं इसको कभी ऐसा मूली देता है ना, तो उसके साथ माँ ऐड करके उसको मामूली कर देता है। वैसे मैं आपको बोल रहा हूँ क्रिटी जी, दिल से बोल रहा है, आप बहुत खुशबू रत है, खूबसूरत खूबसूरत होता है, दिल से बोल रहा, आप इतना ज्यादा ब्यूटीफुल है, इतना ज्यादा ब्यूटीफुल है, ऐसा लगता है भगवान ने किधर हॉलीवुड से मिस्त्री बुला के आपको बनाया है, ऐसा लगता है। तुझे देख के लगता कोई था नहीं, तूने खुद ही असेंबल किया, आ गया है। बीच में काहे को आ गया है, इंटरव्यू चल रहा है। इंटरव्यू चल रहा है, दे तुम पकड़ के रखो यार, कहीं भाग के किधर और ना चला जाए, देने के लेने पड़ जाएंगे। देने के लेने नहीं, लेने के देने। तुम लेके दो, मैं दे के लेगा, क्या फर्क पड़ता है? आदान प्रदान तो हो रहा है ना यार। आदान प्रदान? तो अभी तक इंडिया में क्या कर रहा है, लंदन क्यों नहीं गया वापस? मैं जा नहीं पाया, मैं लंदन में रहता है, मेरे को जाने का रहा। अमिताभ बच्चन जी मेरे को बोला कि गुजरात जाके जरा विजिट करो, तो मैं बोला पहले वो करके आएगा। उन्होंने तुझे कब बुला लिया? मेरा घर पे आए थे, घर छोड़ो यार, मेरा टीवी पे साक्षात मेरे आंखों के सामने आके खड़े हो गए, मेरे को बोला कुछ दिन तो गुजार है गुजरात में, बोला यार। इतना बड़ा आदमी है ना, नहीं बोल सकता तो मैं गुजरात एक बार विजिट करेगा। लेकिन मैं सुना है सर, आप लोग का आप बरेली का बर्फी लेके आ रहे हैं, तो पहला वो खाएगा उसके बाद जाएगा, लेकिन खा के जाएगा, ये वादा है। ये हलवाई नहीं, बर्फी बना के नहीं लाए हैं, क्योंकि फिल्म का नाम है बरेली की बर्फी। ओ माई बैड आप लोग का फिल्म है बरेली का बर्फी। मैं आपका फिल्म के लिए ऊपर वाले से वो करेगा यार, वो जैसा आग जलता है, व्हाइट निकलता है वैसा बाहर,
धुआं? हाँ, मैं आप लोगों के लिए ऊपर वाले से धुआं करेगा कि आप लोगों का फिल्म सदा सुहागन रहे। अबे ये दुआ दूल्हा दुल्हन को देते हैं। मैं गड़बड़ कर दिया यार। और शादी पे गया था, वो शादी वादी करके वो कपल हनीमून पे जा रहा था, मैं उनको आशीर्वाद दे दिया, तुम्हारा हनीमून पूरा दुनिया देखे। वो वाला आशीर्वाद इधर देने का था और ये वाला आशीर्वाद उधर देने का था। आपका फिल्म दुनिया देखे और वो लोग सदा सुहागन रहे। माई बैड यार, मैं क्या करेगा यार, ऐसा गलती होता है। मैं इधर का नहीं, बार गाँव का है। इधर आके भी कुछ ज्यादा चेंज नहीं हुआ, इधर भी गोरे गांव का ही है, क्या फर्क पड़ा यार। मैं एक बात बोलने का था यार कि सर, मैं जानना चाहता है कि शाहरुख खान किंग है तो उसका फिल्म आता है, सैफ अली खान नवाब है तो उसका फिल्म आता है, ये राजकुमार है तो इनका फिल्म आता है, तुम क्या है यार, तुम्हारा क्यों आता है? तुम क्या है जो तुम्हारा इतना आवाज आ रहा है? मैं फिरंगी है यार। Well, आयुष्मान जी, आप बिलीव नहीं करेंगे। क्या क्या बिलीव नहीं करेंगे? कि तुम्हारा सिद्धू जी का अफेयर चल रहा है। अरे क्या बात कर रहा है तू, क्या बोल रहा है? तो मैं बोला बिलीव नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। बीच बीच में इतना बात करने का जरूरत क्या है यार? मैं बात कर रहा है इनसे, तुम बीच में क्यों आता है? और आता है तो रोटी बनाओ यार, फालतू का बात। कच्चा, यहाँ पे क्या करने आया है? मैं कल इधर देखने को आया कि मैं सोनी पे आ रहा है ना, चैनल बदल तो नहीं गया दूसरा कोई? ब्रेशन पे मेरा फोन है। अच्छा, अभी बजा है वो लोग। बोलो इधर। हेलो, हाँ मम्मी बोलो। नहीं, मेरे को लड़की नहीं देखने का है। इधर है ना बहुत सारा, मेरे सामने बहुत सारा लड़की है, मैं देख लेगा। एक मिनट रुको। ए, इधर जितना भी लड़की है शूटिंग के बाद बाहर मिलो, मैं एक एक को देख लेगा। मैं बोला उनको वो मैं देख लेगा। हाँ, मेरे सामने भी एक लड़की है, अब मैं देख रहा है, वो भी मेरे को देख रहा है। एक काम करो, आपको अच्छा सा मुहूर्त देख लो। ठीक है, अभी आप फोन रखो और थोड़ा ऐसा सूखा जगह देख के रखना, लास्ट टाइम जैसा पानी में मत रख देना। ओके, या मैं आपको ले आया। मैं आपके लिए अंगूरी भी लेके आया है। कपू शर्मा, ऐसा मायूस मत हो, तुम्हारे लिए भी लाया है यार, अंगूठा। मैं दिल से बोल रहा है कृति जी, एक मेरे को मौका दीजिए, ये मैं आपके लिए, सॉरी, ये मैं गिरा नहीं है, आई एम फॉलिंग इन लव यार। क्यों है तो तंग कर रहा कृति को, तुम्हें भाव ही नहीं दे रही? तो मैं क्या टमाटर है क्या मेरे को भाव देगा? वैसे कृति जी, मैं आपको सच बताऊं, मैं संस्कृति से, अपना संस्कृति बहुत प्यार करता है, तो अगर कृति मेरा लाइफ में आएगा तो संस तो बाद में आ ही जाएगा, तो प्यार जो है वो। कच्चा, तूने सोच कैसे लिया कृति तुमसे शादी करेगी? मैं बड़ा रहे ऐसा सोच लिया मैंने। देखिए, शादी एक बहुत अच्छा चीज है, आप मेरे को मौका दीजिए, अगर बाय चांस आपको अच्छा नहीं लगा तो पूरा पैसा वापस। सारे पैसे वापस, मतलब क्या? तू साड़ियां बेच रहा है तू? देखिए, आप बीच में क्यों आ रहा है, ये हमारा आपसी आमला है। आमला नहीं, मामला। अरे मामला है, आमला है, विमला है, कमला है, तुमको क्या है यार? रुक जाओ ना जरा, मैं आपके लिए म्यूजिक भी बजा सकता है। इसके स्ट्रिंग्स कहाँ है? वो मेरा दादी है ना, घर पे मेरे को बोलता रहता है कि मामा को तार भेजो, चाचा को तार भेजो, मैं सब तार भेज दिया है। तो फिर तू कैसे कृति को इंप्रेस करेगा? मैं सर से नारियल फोड़ सकता है। कैसे कैसे? आप अपना सर लेके आओ, मैं फोड़ के बताता है। चल। मैं इधर इनसे शादी का बात कर रहा है, आप बीच बीच में बात करता जा रहा है, क्यों क्यों, क्या प्रॉब्लम क्या है? उल्टा कोतवाल चोर को डांटे।
उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मेरा कोतवाल उल्टा है यार, शीर्षासन कर रहा है, चोर को डांट रहा है, मेरा मर्जी है यार। इसे शादी किसी भी हाल में नहीं हो सकती तुम्हारी। अरे हाल में नहीं हो सकता तो ब्राह्मण में शादी करेगा यार। तुम क्यों घुस रहे बीच में? प्रीति जी आप बोलिए आपको ये रिश्ता मंजूर है? उनको अपने जैसा लड़का चाहिए, स्लिम ट्रिम पतला। आप पतले हो सकते हो? पांच मिनट में। पांच मिनट में? ठीक है यार, ठीक है, साफ साफ बोल देना चाहिए ना आपको के। पर मैं आपको बताऊं एक अच्छा बात, आपको पता है मैं लंदन में रहता है, उधर क्या करता है? क्या करता है वो? जोशीटी है मैं वहाँ पे। जोशीटी नहीं, हाँ ज्योतिषी। ज्योतिषी मैं वो करता है उधर। तो मैं आपका हाथ देके आपका फ्यूचर बताएगा। ओके तो ये आपका हाथ है, ये अभी ऐसा, ये इधर जो है ना, इधर आपका हाथ इधर अभी थोड़ा दिल में थोड़ा ऐसा गीला होएगा, कैसा पता नहीं, लेकिन मेरे को ऐसा फीलिंग आ रहा है इधर थोड़ा सा गीला होएगा। मैं देखो जस्ट डोंट टच।